नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं और ये हर प्रोजेक्ट में जाएगा, चाहे आप लेडीज़ स्वेटर में बनाएं, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 4 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। पहले 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर उन पीछे करेंगे, 2 फंदा स्लिप कर लेंगे। इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, 4 फंदा उल्टा बुनना है और 2 फंदा स्लिप कर लेना है। 4 फंदा उल्टा बुनते हुए, 2 फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर दी गई है और लास्ट में भी 4 फंदा उल्टा आएगा। सेकंड रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, थर्ड रो में फर्स्ट रो को ही दोहराया जाएगा, यानी 4 फंदा उल्टा बुना जाएगा और 2 फंदा स्लिप कर लिया जाएगा। फिर 4 फंदा उल्टा, 2 फंदा स्लिप कर लिया जाएगा। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, फिफ्थ रो में भी फर्स्ट रो को ही दोहराया जाएगा, यानी 4 फंदा उल्टा और 2 फंदा स्लिप करना है। फिर 4 फंदा उल्टा और 2 फंदा स्लिप करना है। और सिक्स्थ रो में सभी फंदे उल्टे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, अब हम पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देंगे। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर 2 फंदों को स्लिप करेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, 4 फंदा उल्टा, 4, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, नाइन्थ रो भी सेवन्थ रो की तरह ही बनाया जाएगा, यानी पहला फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा उतारेंगे, फिर 4 फंदा उल्टा। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा उतारेंगे और 4 फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड में हर लाइन में सभी फंदे उल्टे ही बनाए जाएंगे। 11th रो और फ्रंट साइड, 11th रो भी 7th रो की तरह ही बनाया जाएगा, यानी 1 फंदा उल्टा, उन पीछे करेंगे, 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, 4 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, 4 फंदा उल्टा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 13th रो और फ्रंट साइड, 13th रो से फिर फर्स्ट रो शुरू हो जाएगा, यानी 4 फंदा उल्टा और उन पीछे करेंगे, 2 फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा। फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है, उन पीछे करना है, 2 फंदा उल्टा, उन अपनी ओर और 2 फंदा स्लिप करना है, उन अपनी ओर और 4 फंदा उल्टा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं 12 लाइनों को दोहराते रहने से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो यदि
आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।